चलो गाइस, शाम का 6:30 होने वाला है। चाय पी के आते हैं। आज मैं कहीं बाहर नहीं गया तो फिर आज बाहर जाएंगे 8 बजे, तो फिर अभी चाय पी के आ जाते हैं। तो फिर ये पंखे अपन बंद कर देते हैं, लाइट भी नहीं, लाइट चला देते हैं, ये वाला पंखा ऐसे बंद कर दिया। ओके, वेरी गुड टीचर। चलो मोटर चालू थी ब्रो। लॉक कर देता हूँ। कुछ नहीं, वो स्नैपचैट पे नोटिफिकेशन आया था, टाइम टू वेयर नियॉन। ये नहीं यार, चप्पल पहन के चले जाता हूँ फट से। चलो भाई, चाय पीने आ गए। हमने तो मिल गया ये खंबा, ये खंबे पे बैठने में बहुत मजा आती है। और इधर भी शाहपुरा वाला व्यू है, बस फर्क इतना है कि ये पेड़ों के नीचे जमीन है, शाहपुरा में पानी होता है। शाहपुरा में होता तो इस टाइम में केडी पे बैठा होता। हाँ, तो नहीं, चाय हो गई फटाफट से, तो चलते हैं। मोबाइल लिख के में डाल दो। लोग गाइस घर में आ चुके हैं, लाइट जला दो। देखो इस घर की लाइट कैसी है, ये अभी चालू है, अब मैं इसको बंद करूँगा चालू जाएगी। बंद चल, बंद चल, बंद चल। चलो तो गाइस, बस अब थोड़ी देर में निकलने की तैयारी है, लेकिन निकलने से पहले फिर अपने फंडे रिवाइव कर लेते हैं अपन। लाइक यार, सच में हम लोग जितने केयरलेस हैं ना, उतनी कोई दूसरी स्पीशी नहीं होगी ह्यूमन के सिवाय, मैं बता रहा हूँ। मतलब यार, अगर जैसे दिमाग ठीक करना हो ना, तो पता है या तो हॉस्पिटल चले जाओ, या फिर ऐसे किसी उसमें चले जाओ जहाँ पे कि फिजिकली चले लोगों को ट्रेन किया जाता है, वहाँ चले जाओ, या ब्लाइंड होम चले जाओ, या ओल्ड एज होम चले जाओ। तो यार गाइस, तब लगता है कि यार हम लोग अपनी लाइफ को कितना ग्रांटेड लेते हैं। लाइक कितना एक्सक्यूज बनाते हैं यार, कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, पूरे टाइम एक्सक्यूज ही बनाते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, जबकि लाइफ हम नॉर्मल लोगों को कितनी ब्लेस्ड तरीके से मिलता है। अभी आप सोचो, अगर अपनी एक आँख ही नहीं हो लो, फिर या हमारे हाथ में एक सुई, एक उंगली में अगर एक कांटा भी चुभ जाता है ना, तो हमें कितना पेन होता रहता है। कुछ लोगों के तो हैंड नहीं होते गाइस, उन लोगों के लिए फिर क्या है। तो भाई यार, अपन तो यार दिल से काम करने वाले हैं, कुछ ऐसा मतलब कुछ भी जो भी काम कर रहे हो ना, कुछ ऐसा करो मतलब कि वो लाइक, मैंने तो बहुत किया हुआ है, मैं ऐसे अपनी वो खुद नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी मैंने कितने लोगों की हेल्प करी है, और कितने लोगों के बिजनेस मैंने खड़े करवा दिए। उनमें देखो, एक एक तो बात होती है कि चेक काट के पैसे दे देना, एक बात होती है कि जब आपके पास कम पैसे हों फिर भी सामने वाले की हेल्प करना और अपना टाइम उस पर देना। तो लेकिन उसके बावजूद भी यार, उसके बाद भी भाई, अगर अपन पूरी तरीके से चलने फिरने घूमने फिरने के लिए, देखने सुनने के लिए अगर लायक है ना, तो भाई दुनिया का कोई भी पेन जिसको बोले, गम जिसको बोले ना, वो कुछ है ही नहीं। वो लाइक जितने कुछ भी लोग ऐसे है ना कि वो सुसाइड कर लेते हैं, अरे यार ये हुआ और वो हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हमेशा सुसाइड करने का वो बनाते रहते हैं कि यार अब तो मेरी लाइफ कुछ नहीं गई है, लाइफ कुछ भी नहीं गई, मतलब उसको बस
ऐसे इग्नोर कर दो, बस ऐसे इग्नोर कर दो सिचुएशन को, अगर ऐसे ऐसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ ना, तो मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता यार कि अपन किस सिचुएशन में क्या है, लेकिन बस हमको हमेशा बस थैंकफुली यही ऐसी इतने ग्राउंड लेवल पे हमको रहना चाहिए, लाइक कि हम लोग ठीक ठाक तरीके से चल फिर रहे हैं, देख सुन पा रहे हैं, और फिर इस टाइम का यूटिलाइज हमें हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहिए। मतलब आलस वालस तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब वो थकान और ये और वो तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ बस एक माइंड में एक वो बना रहता है कि यार अभी आलस आ रहा है, ये आ रहा वो, या वो कोई कोई काम टफ है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कोई कुछ। अगर आप बाय बॉडी अगर आप ठीक हो तो कोई भी काम टफ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा सा अपने माइंड में वैसी पिल डाल के देखो कि लाइक कि जैसे अगर आपको अभी अभी न्यू न्यू आइज मिली है तो फिर सोचो कि फिर हमें ये वर्ल्ड कैसा लगता, हम फिर इस वर्ल्ड को किस नज़रिए से देखते, किस प्रोस्पेक्टिव से हम इसको देखते, लाइक ये कलर, ये पंखा घूम रहा है ऊपर वो देखो ये, और हम सुन पा रहे हैं, कुछ कुछ लोग बेचारों का सब कुछ ठीक रहता है लेकिन वो सुन नहीं पाते, कुछ लोग बोल नहीं पाते, हम लोग तो एटलीस्ट बोल रहे हैं। वो एक सॉन्ग है ना कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, तो भाई वो सॉन्ग भी भाई वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं लिखा है। अरे यार ये क्या हो रहा है, लिपसिंग गड़बड़ हो रही है, कैमरे को ज़्यादा हिलाता हूँ ना तो फिर गड़बड़ होने लगती है, पता नहीं फ्रंट कैमरे में क्या है, बैक कैमरे में से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। तो कुछ भी हो भाई, हमको हमेशा हमारा माइंडसेट है ना उसी ग्राउंड लेवल पे रखना चाहिए, और बार बार बस यही बात रिमाइंड करते रहो, बार बार बस यही बात रिमाइंड करते रहो, लाइक कि यार अगर हमारे पास नॉर्मल बॉडी है तो फिर हमारे पास सब कुछ है। शायद इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ों को और इंसिडेंट्स को याद रखने के लिए ही शायद वो जो टैटू वाला कल्चर है ना वो आया कि लाइक हम टैटू बनवा लेते हैं, तो वैसे टैटू बनवा लो कि लाइक उसमें ऐसा कुछ साइन हो कि लाइक हमारे पास अगर नॉर्मल बॉडी है तो हमारे पास सब कुछ है, तो बार बार वो हमको दिखता रहेगा ना तो हमें चीज़ें याद आती रहेंगी, फिर ना हमें गुस्सा आएगा, ना हमें चिड़चिड़ाहट होगी, ना हमें रिग्रेट होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें वर्क कर सकती हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके में वर्क कर सकती हैं, और बिल्कुल भी कभी भी ऐसे गुस्सा वुस्सा और ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी चीज़ का रिग्रेट करना चाहिए, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। और जब कभी भी जैसे भी कोई अगर फालतू में झगड़ा कर रहा हो तो भैया बोल लो कि हाँ भैया आई एम सॉरी, और ऐसा बोल के आप आगे बढ़ जाओ, और कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो लेकिन लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस एंड योर बॉडी इज़ ऑल्सो वेरी प्रीशियस एंड वी हैव अ सर्टेन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और उसी टाइम के अंदर हमको अपना पार्ट पूरा करना है, और वो पार्ट हम एक पॉजिटिव तरीके में करें और कुछ फ्रूटफुल तरीके में कर जाएं, तो वही मेरे को लगता है कि जस्टिस होगा हमारी ह्यूमन लाइफ के साथ में, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास कोई कमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कोई कमी नहीं है हमारे पास, बस हमें सिर्फ इनिशिएट लेने की देर है, बाकी सब कुछ है ना, धूप की टेंशन लो, ना छांव की टेंशन लो, ना गर्मी की टेंशन लो, ना बारिश की टेंशन लो, ना रिसोर्सेज की टेंशन लो, ना ये इसकी टेंशन लो कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चले चलो कि भाई हमारे पास नॉर्मल बॉडी है, और हम इस तरीके से काम करें कि जिनके पास नहीं है वो लोग भी इस वर्ल्ड को
प्रॉपर तरीके से इसमें वो लोग भी नॉर्मल तरीके से वो लोग भी सरवाइव कर सकें, तो उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वही मुझे लगता है इसी में सबका फ़ायदा है और ट्रू ह्यूमैनिटी भी इसी में होगी, बिकॉज उसके अलावा सब फालतू की चीज़ें हैं। ज़रा ज़रा सी चीज़ें, ज़रा ज़रा से लॉजिक हैं, लेकिन लोगों को मतलब सेंचुरीज बीत जाती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। फिर कहीं से कोई एक हीरो आएगा और वो समझाएगा, हर एरा में एक ना एक हीरो आता है वो समझाता है, और फिर उतनी देर तक लोगों को समझ में आता है, लोग बात उसके बाद वापस से वैसे के वैसे हो जाते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे हमें क्या पढ़ी है, ठीक है, लेकिन जब पढ़ती है तब समझ में आता है यार। लाइक अगर जैसे हमें प्यास लग रही हो, आसपास पानी नहीं है, लेकिन फिर कोई हमें जब पानी पिला देता है तब हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है यार, कि नहीं थोड़ी मदद तो करनी चाहिए। लाइक अभी भी ह्यूमैनिटी इसे ही बोलते हैं। तो लाइक जब, और ऐसा तो कभी है नहीं कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, वो तो होता ही है भैया, पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हमको तो एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरत तो हमको पड़ती ही पड़ती है। तो ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि भैया हमारा काम हो गया बस, अब हटो बचो, वो तो नहीं, फिर काम पड़ेगा आपको। तो क्यों ना इसी डायरेक्शन में काम किया जाए, लाइक कि सब एक दूसरे की हेल्प करें, और एक दूसरे की हेल्प से ही ये वर्ल्ड चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज अभी तो हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत ही मीन वर्ल्ड है, ये है वो है, लेकिन हम लोग भी अगर अपन देखें तो हम लोग पूरे सभी कोई पूरी तरीके से कोई मीन नहीं है, सबके अंदर एक ना एक अच्छा इंसान बैठा हुआ है। और जैसे हम राह चलते जो लोगों की मदद कर देते हैं ना, जैसे कि मैंने यात्रा में देखा था कि राह चलते हम जो लोगों की मदद करते हैं उसी से दुनिया चल रही है। तो आप सोचो, लाइक कोई हमें लिफ्ट मांगता है हम उसको लिफ्ट दे देते हैं, कोई पानी मांगता है हम उसको पानी पिला देते हैं, बैठने के लिए जगह बोलता है हम उसको जगह दे देते हैं, कोई रास्ता पूछता है हम उसको रास्ता बता देते हैं, कोई गिर जाता है हम उसको उठा लेते हैं। तो बस इतनी सी मदद से ही ये दुनिया टिकी हुई है, मतलब ये दुनिया चल रही है। तो आप सोचो कि जब हम लोग प्रॉपर, अगर 100% भी नहीं, अगर इसका हम 50% भी करेंगे, तो ये वर्ल्ड कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगा।